न्यूज वॉइस जो हर खबर से आपको कराए रूबरू। पंडित दीनदयाल उपाध्याय की जयंती समारोह पर आयोजित भाजपा की कार्यकर्ता मीटिंग में रेवाड़ी पहुंचे प्रदेश अध्यक्ष ओपी धनखड़ ने उनके जीवन पर प्रकाश डाला और कहा कि हम सभी को उनके दिखाए मार्ग पर चलकर देश और प्रदेश की तरक्की में एकजुट होकर काम करने की जरूरत है। तो वहीं दूसरी ओर उन्होंने लगातार कांग्रेस द्वारा ओबीसी को आरक्षण देने की मांग पर कहा कि कांग्रेस ने तो कभी भी इस पर कुछ नहीं सोचा, लेकिन कांग्रेस का मुद्दा यह नहीं, मुद्दा तो यह है कि आखिर महिला आरक्षण विधेयक पास कैसे हुआ, लेकिन कांग्रेस यह नहीं जानती कि मोदी है तो मुमकिन है। प्रदेश अध्यक्ष धनखड़ यहीं नहीं रुके, उन्होंने कांग्रेस पर तीखा प्रहार करते हुए कहा कि कांग्रेस ने कभी महिला आरक्षण विधेयक लाने की बात तो दूर, उस पर विचार करने तक की हिम्मत नहीं की। इस विधेयक से सबसे अधिक तकलीफ ही कांग्रेस को है, जिसने भाजपा के शीर्ष नेतृत्व को भद्दी से भद्दी गालियां देने से भी कोई कोर कसर बाकी नहीं छोड़ी। उन्होंने कहा कि 33% महिला आरक्षण बिल सिरे चढ़ेगा, इसमें कोई संदेह नहीं, लेकिन इसका क्रेडिट तो उसी को मिलेगा जिसने इस पर काम किया है, इसलिए मोदी है तो मुमकिन है। उन्होंने जजपा के राजस्थान से चुनाव लड़ने और भाजपा जजपा गठबंधन के सवाल पर कहा कि किसी भी पार्टी को कहीं से भी चुनाव लड़ने की आज़ादी है, लेकिन जब जजपा के साथ चुनाव लड़ने या न लड़ने की बात आए तो जरूर साझा करेंगे। धनखड़ ने इनेलो की कैथल रैली के सवाल पर भी चुटकी ली और कहा कि इनेलो की प्रवृत्ति हमेशा से कांग्रेस विरोधी रही है, इसीलिए नहीं लगता कि दोनों का कोई मैच है और यह संभव भी नहीं है। उन्होंने प्रॉपर्टी आईडी में आ रही दिक्कतों के सवाल पर कहा कि किसी भी नए काम को सिरे चढ़ाने के लिए समय जरूर लगता है, जिस पर सरकार प्राथमिकता से काम कर भी रही है। उन्होंने बाजरे की खरीद में हुई देरी के सवाल पर कहा कि प्रदेश सरकार हमेशा किसान हितैषी रही है। जहां तक बात बाजरे की खरीद की है तो किसानों को भावांतर या MSP जरूर मिलेगा, जो कि हमारी प्राथमिकता है। वहीं उन्होंने 23 सितंबर को रेवाड़ी के माजरा में प्रस्तावित एम्स के शिलान्यास के लिए प्रधानमंत्री के कार्यक्रम के स्थगित होने के सवाल पर कहा कि इसका टेंडर न होने की वजह से मोदी नहीं आ सके, इसे अन्यथा न लिया जाए। रेवाड़ी से न्यूज वॉइस के लिए संजय कौशिक के साथ अजय सागर अत्री की रिपोर्ट। जयंती है भारतीय जनता पार्टी दीनदयाल उपाध्याय जी के विचार पर चलती है, उनका जीवन और दर्शन दोनों हमारे लिए प्रेरणा का स्रोत। दशकों से आज हरियाणा के 19,863 बूथों पर हम उनकी जयंती मना रहे हैं। मैं भी यहाँ 171 नंबर बूथ के कार्यक्रम में सहभागी हूँ। दीनदयाल जी का बहुत बड़ा योगदान भारत को लेकर भी है, उनके विचार के हिसाब से, और दुनिया को लेकर भी। जब दीनदयाल जी काम कर रहे थे तो दो विचारधाराएं बहुत ही अपने अपने, मैं कहूँगा कि शिखर पर थी, पूंजीवाद और साम्यवाद। और उस समय लोग पूछते थे कि आपका इज्म क्या है, आपका वाद क्या है कम्युनिज्म और कैपिटलिज्म के सामने। इस समय उन्होंने कहा था इंटीग्रेटेड ह्यूमनिज्म, एकात्म मानववाद हमारा वाद। ये भारतीय मूल विचार है, उन्होंने अपने पुस्तक में भी कहा है, ये भारतीय मूल दर्शन है। उन्होंने कहा कि मैं वाद इसको टेम्पररी रूप से कह रहा हूँ कि लोगों को वाद की भाषा अब दुनिया में समझ में आ रही है, इसलिए मैं इसको इज्म कह रहा हूँ, एक्चुअल में ये फिलोसफी है, ये दर्शन है। और उन्होंने कहा कि दुनिया के दोनों दर्शनों में जो वाद है, मनुष्य के सुख की कल्पना की होड़ है और मनुष्य को तीन प्रकार के सुखों की कल्पना वहाँ की गई है, शरीर का सुख, मन का सुख और बुद्धि का सुख। दीनदयाल उपाध्याय ने कहा मनुष्य को जब तक चौथा सुख नहीं मिलेगा आत्मा का, तब तक मन सुखी नहीं हो सकता। और उन्हें एकात्म मानव दर्शन में इन चारों सुखों की बात की। उन्होंने कहा कि शरीर का सुख अच्छे टेम्परेचर में बैठने से, अच्छे भोजन करने से, अच्छी ऐसे रहने सहने की व्यवस्थाओं होने से हो सकता है। मन का सुख प्रशंसा करने से, बढ़ाई करने से हो सकता है। बुद्धि का सुख जटिल प्रश्नों के हल करने से हो सकता है, लेकिन आत्मा का सुख दूसरे की आत्मा की बिना स्वार्थ के सेवा करने से ही हो सकता है, क्योंकि हम सब की आत्मा एक है,
चांद एक है, 50 घरों में 50 प्रतिबिंब दिखाई दे सकते हैं। हम निस्वार्थ भाव से जब किसी दूसरे की आत्मा की सेवा करेंगे तो आत्मिक सुख प्राप्त करेंगे, और इसलिए चारों सुख मिलने से ही मनुष्य सुखी हो सकता है। विजन इस पे बात की, एक अभी दर्शन विजन की बात चल रही है समतावाद की, कांग्रेस ने ओबीसी का इश्यू उठाया है, राहुल गांधी ने कल भी परसों जयपुर में बात कही कि ओबीसी को रिजर्वेशन मिलना चाहिए, 90 में से 3 सेक्रेटरीज हैं। जब उन पर सवाल उठाया गया उन्होंने रिग्रेट किया। ओम प्रकाश धनखड़ जी इस बारे में क्या सोचते हैं, समतावादी समाज की बात हो रही है? देखिए, राजनीति में बहुत सारी बातें ढंग से कही जाती हैं कि तू डाल डाल में पान पान। हम सबको मालूम है अभी संसद विधानमंडलों में जो रिजर्वेशन है वो केवल SC और SD का है। BC का रिजर्वेशन कांग्रेस के भी इतने वर्ष थे किसी भी विधानमंडल में कोई रिजर्वेशन नहीं था। हरियाणा सरकार ने पहली बार नगर पालिका और पंचायती राज में उस रिजर्वेशन को लेकर आई। शिक्षा में रिजर्वेशन आया था और कुछ नौकरियों में आया, लेकिन ये रिजर्वेशन विधानमंडलों में अभी नहीं है। इसलिए आज के विधानमंडलों में जिस चीज़ को लेकर आना था उसको अभी उसी विधानमंडल की व्यवस्था के हिसाब से लेकर आए। दूसरी बात ये भी आप सबको जानकारी में है कि कितने ऑफिसर किस वर्ग से आते हैं। ये जो सिविल सर्विसेज की नौकरी है इसको आप इस रूप में कभी भी नहीं देख सकते, इसलिए ये आंकड़े केवल और केवल अपने आप को पैरवीकार दिखाने के लिए है, क्योंकि देश का सर्वोच्च नेतृत्व आज पिछड़े वर्ग से आता है। देश में इतनी बड़ी संख्या में जितनी बड़ी संख्या में अब अनुसूचित जाति जनजाति और पिछड़े वर्ग से मंत्रियां इतने कभी नहीं थे कांग्रेस के जमाने में, और कांग्रेस ने कभी इसके लिए काम नहीं किया। ये तो केवल ये दिखाने के एक जेस्चर है कांग्रेस पार्टी का, जिसके लिए कभी उन्होंने काम नहीं किया था। वो जेस्चर दिखा रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी महिला आरक्षण पर आगे बढ़ गई है, जो काम कभी नहीं कर पाई, क्योंकि पूरा देश एक ही बात कह रहा है, मोदी है तो मुमकिन है। तो 3 डिकेड से एक तरह से जो चीज़ें लटकी हुई थी उनको अंजाम दिया है, तो हम क्या कहें, कुछ और आगे कहें, ये बस उतनी सी बात है। कभी कांग्रेस का इस प्रकार का कमिटमेंट नहीं रहा, और जो लोग लड़कर आए अगर कहीं पर आए तो, और सबसे ज़्यादा तकलीफ भी कांग्रेस ने देने की कोशिश की तो OBC समाज के मुख्यमंत्री को ही, गुजरात के मुख्यमंत्री के रूप में देने की कोशिश की थी। जितनी गालियाँ दी वो गालियाँ अभी भी हम सुन रहे हैं, हरियाणा में भी उसकी को सुन रहे हैं। इन्होंने कोई गालियाँ देने में कांग्रेस पार्टी ने कभी भी हमारे सर्वोच्च नेता को गालियाँ देने में कभी कोई कसर नहीं छोड़ी। ये केवल और केवल इनका एक नैरेटिव बनाने की कोशिश है, इनकी कोई कमिटमेंट पिछड़े वर्गों के लिए नहीं। सर क्या स्थिति रहे जजपा का, भाजपा का? हरियाणा में गठबंधन सरकार चलाने का है, चुनाव साथ लड़ने का गठबंधन की जब कोई बात आएगी तो हम जरूर उसको आपके साथ साझा करेंगे। एक स्वतंत्र पार्टी है और उसको कहीं भी जाकर अपना चुनाव लड़ने की इच्छा व्यक्त करने का, चुनाव लड़ने का भी अधिकार है। कैथल में रैली सर आज तो इंडिया गठबंधन के सारे हर बार सोई देवलाल जी की जयंती इंडियन नेशनल लोकदल या उनके परिवार जिन जिन धर्मों में होते हैं मनाते हैं। सहज स्वाभाविक है, इसमें कोई वैशिष्ट्य नहीं है, और ये पुराने ज़माने से ही देशभर के प्रमुख नेताओं को लाने की बात करते रहे। लेकिन इंडियन नेशनल लोकदल का जो मूल स्वभाव है या उसकी मूल रचना है, प्रकृति है, वो कांग्रेस के विरोध की ही है। वो कांग्रेस के साथ जाने की कभी भी नहीं रही, और इसलिए जो कोशिशें कुछ लोग कर रहे हैं मुझे लगता नहीं कि कोई नेचुरल अलायंस जैसी चीज़ वहाँ हो पाएगी। दल के मुखिया तो मिल सकते हैं, लेकिन जिस तरह का उस दल की नेचर प्रकृति को मैं समझता हूँ वहाँ कोई नहीं जाता। अभी चौटाला कहें बड़ा संदेश देंगे और पीछे जब आए संदेश कितना ही संदेश कितना ही बड़ा हो, सवाल संदेश का नहीं, सवाल इस बात का है कि कौन से दल वर्षों तक किस रचना के साथ खड़े होते रहे, उनकी मूल प्रकृति मूल स्वभाव क्या है। कांग्रेस के विरोध में ही पूरा का पूरा जो है वो इंडियन नेशनल लोकदल हमेशा खड़ा रहा है, इसलिए मुझे लगता है कि वो प्रकृति बिल्कुल मैच नहीं करेगी।
और कांग्रेस में भी इस बात की बड़ी खलबली है, वो भी आप देख रहे हो, तो इसके परिणाम आपको कांग्रेस पर भी देखने हैं। हुड्डा साहब कोई कांग्रेस छोड़ने वाले हैं जिस तरह से आपके पास वो तो हुड्डा साहब बताएंगे, लेकिन खलबली तो पूरे प्रदेश को दिखाई दे रही है, खलबली है। अभी महिला आरक्षण बिल पर विपक्ष लगातार प्रयास करेगी जल्द से जल्द लागू किया जाए, लेकिन कहाँ कमी आ रही, कह रहे कि अभी जनगणना करानी है, तो क्या इसी दौरान नहीं हो सकता है? देखिए अब वो वही कि आपने आने वाले समय में कुछ करने का एक निर्णय किया है और उसकी एक अपनी प्रक्रिया है, लेकिन वही जिसको कहते हैं ना कि मैं कमी कैसे निकालूं, तो अभी क्यों नहीं कर रहे, मतलब जैसे घर में कोई घर का मुखिया कह रहा है कि अगले महीने कार लाएंगे तो बोला अभी क्यों नहीं ले आते, अब उसका अपना एक हर चीज़ का एक सिस्टम होता है, एक प्रक्रिया होती है, तो उसमें से वो जनगणनाएँ होंगी, उस जनगणना में से सीटें फिर से किस प्रकार से पुनर्गठित होती हैं वो होंगे, और वो होकर उस प्रकार से वो 33% का ये विषय सिरे चढ़ेगा। लेकिन आप तो ये भी कभी कर नहीं पाए थे, इसलिए आप केवल तगादा दिखाकर और जिसको खैर खुआ बनने की एक नौटंकी कर रहे हो, आपने तो कभी किया ही नहीं था, हिम्मत ही नहीं कर वो पारी थी आपने तो कहने की, जिन्होंने किया है क्रेडिट उनका है, चाहे कोई किसी तरह से इस बात को कहे, वो क्रेडिट जनता और मातृशक्ति उनको देने वाली नहीं है, नारी शक्ति ने जिस प्रकार से जिस जोश के साथ नई लोकसभा में राज्यसभा में पहुँच कर 2200 बहने गई थी हरियाणा से भी 22 तारीख को, और अगले दिन फिर सुबह जो है वो 21 तारीख को और 22 तारीख को पार्टी ऑफिस में पहुँच कर जिस तरह से स्वागत किया है प्रधानमंत्री का, सब जगह नीचे तक सबको मालूम है, एक ही वाक्य है मोदी है तो मुमकिन। देखिए भारतीय जनता पार्टी में अभी मनोहर लाल जी बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, उन्होंने बहुत सारी चीज़ें, मैं कहूँगा कि मेरिट पर नौकरियाँ, इसके साथ ही मैं कहूँगा कि बहुत सारी चीज़ें वो पोर्टल पर लेकर आए हैं, जिसको हम सुराज की दृष्टि से, गुड गवर्नेंस की दृष्टि से देखते हैं, और मैं ये कहूँगा कि गुड गवर्नेंस से जब चीज़ें आती हैं तो उसका सबसे पहला फार्मूला यही होता है कि चीज़ें व्यक्तियों के प्रभाव से अलग होकर पहुँचती हैं। ये तो राजीव गांधी का वो बयान हमें याद है कि मैं 1 रुपया भेजता हूँ तो 15 पैसे पहुँचते हैं, तो ये बदलाव इनके नेतृत्व में बहुत अच्छा हुआ है और अच्छा काम है। पोर्टल तो शुरू हुआ, लेकिन जो प्रॉपर्टी आईडीज के अंदर जो दिक्कतें आ रही हैं सरकार के सामने भी और जनता के सामने भी, क्यों नहीं हो पा रहा है? देखिए बदल जब होता है, कोई भी बदल, जब भी कोई बदल होता है तो देखिए उसमें चैलेंजेस आते ही आते हैं, एकदम में सारी जनता उसको एक ही रूप में एक्सेप्ट कर ले जाए ऐसा कभी नहीं होता, लेकिन बदल को सहसेज करके आप देखिए, हम सब टेलीफोन के बिल जाकर कंपनियों के दफ्तर में भरते थे, आज कोई जाता है? सिनेमा की टिकटें हम सब जाकर लेते थे, आजकल कोई जाता है? रेल और जहाज़ की टिकटें हम सब जाकर लेते थे, आज कोई लेने के लिए जाता है? कितनी सारी चीज़ें, कितनी सारी मार्केटिंग ऑनलाइन हो गई, ये बदल हमारे सामने हमारे देखते देखते मेरे जीवन में है, मतलब मैं चरखी दादरी में रहता था, हमारे घर के पीछे जो है ऑफिस था बिजली बोर्ड का, एक्शन जिले सिंह जी के मकान में दोपहर में लाइनें लगी देखी मैंने बिल भरने की। तो ये जो बदलाव है जो सारी सोसाइटी में हो रहा है, हर चीज़ के लिए उस प्रकार का बदलाव, ये ठीक है कि कठिनाई आती है तो हेल्पिंग हैंड भी खड़े कर रहे हैं, सतीश गोड़ा जी को जिम्मेवारी प्रदेश स्तर पर दी है कि इस प्रकार की कठिनाइयाँ दूर हों वो लगेगी। सर एक शहीदी दिवस मनाया जाना था, तमाम तैयारियाँ भी कर ली गई थी, बताया जा रहा था कि प्रधानमंत्री जी पहुँचे, लेकिन चर्चा ये है, लोग कह भी रहे हैं कि कहीं ना कहीं राव साहब को डाउन करने के लिए उपरत कर दिया करें, आप प्रदेश अध्यक्ष शायद इस पर लोग जानना भी चाहते हैं कि क्लैरिटी को चाहिए। देखिए राव साहब हमारे बहुत बड़े नेता हैं, केंद्र में मंत्री हैं, शानदार नेता हैं, और उस सारी घटना की जानकारी मुझे है, उसका टेंडर नहीं हुआ था उससे पहले प्रधानमंत्री शिलान्यास नहीं कर सकते, इसलिए एकमात्र कारण वही है, किसी अन्य रूप में देखने और दिखाने की आवश्यकता नहीं है, जब ऐसा मौका होगा तो निश्चित रूप से शीर्ष नेतृत्व का समय इस अच्छे महान काम के लिए मिलेगा। धनखड़ साहब, ये जो दक्षिण हरियाणा है अभी बाजरे की फसल, अभी कोई नीति स्पष्ट नहीं हुई है, कहाँ कहाँ पर बाजरे की खरीद हो रही है, कितनी खरीद होगी, क्या भावांतर मिलेगा, ऐसा कुछ स्पष्ट नहीं है? देखिए एक तो मैं
कई बार अपने मुंह से अच्छा नहीं होता मैं ये कहूँ, लेकिन कृषि मंत्री के नाते खरीद और भावांतर, हर फसल की हरियाणा में खरीद हो और जिनकी खरीद पर सरकार नहीं कर पाती है उनका भावांतर दे सब्जियों समय, उस समय हम इसको शुरू करने में कामयाब हुए और सरकार अभी तक इसको आगे बढ़ा रही है। हरियाणा एकमात्र ऐसा राज्य है जो सब फसलों को जाकर खरीदता है, नहीं तो भावांतर देता है सब्जियों तक। मुझे आज भी वो दिन याद है जब जज्जर के रेस्ट हाउस में बैठकर भावांतर की नीति हमने फाइनल की थी। तो उस नाते से ये तो पक्का है कि खरीद या भावांतर उनमें से एक व्यवस्था पूरी होगी। हरियाणा के बाजरे के किसान को देश में सबसे ऊपर रखना वो हमारा काम है और हमारी सरकार उसको रखेगी। ये तो कठिनाई पड़ोसी पड़ोसी जो राज्य हैं उनके यहाँ आती है, वो कभी इस प्रकार की किसानों की चिंता नहीं करते हैं। कांग्रेस पार्टी केवल किसानों के नारे लगाती है लेकिन किसानों के पक्ष में खड़े होकर इस प्रकार की व्यवस्थाएं कभी नहीं करती।